गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास फिफ्थ की हिंदी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पार्ट सिक्स एक मिनट। पार्ट छह एक मिनट। एक मिनट हमारी लाइफ में एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, हाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। जो एक मिनट से हमारा जीवन परिवर्तित भी हो सकता है, और मतलब एक मिनट में कुछ अलग भी कार्य हो सकते हैं। अगर हम एक मिनट का किसी का इंतजार करते हैं तो उस एक मिनट में भी हम नए नए चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक मिनट की महत्व बताते हुए ये चैप्टर पढ़ के सुनाती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। एक मिनट, अभी आया माँ, जैसे आपकी माँ बुलाती है तो आप बोलते हैं अभी आया माँ। बस एक मिनट, माँ की आवाज सुनकर हरीश ने जवाब दिया। माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब अपनी मम्मी बुलाती है तो हम क्या करते हैं, हम भी यही बोलते हैं एक मिनट माँ मैं अभी आया। दोनों बहनें चतुरा और मधुरा उसका इंतजार कर रही थी। उसकी इच्छा रहती थी कि सब मिल बैठकर एक साथ भोजन किया करें। माँ के बुलाने के बाद चतुरा आवाज देती, भैया आ जाओ, टीवी बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आ जाओ। मतलब उसकी दोनों बहनें बुलाती हैं। हरीश उसकी ओर देखता मुस्कुराता, फिर कहता एक मिनट, बस एक मिनट, फिर टीवी देखने लग जाता। चतुरा को अच्छा तो नहीं लगता, वह उसे चिढ़ाती थी, एक मिनट बस एक मिनट। मतलब बच्चे आजकल कहते हैं ना, हमेशा एक मिनट में आया अब बस, और टीवी लगातार देखते रहते उसी तरीके से, और मुंह बनाकर मधुरा की ओर देखती है। मधुरा नाक सिकोड़ती है, एक मिनट में क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं, लाडला है ना, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, चलो शुरू हो जाओ। हरीश जब तक चौके में पहुंचता तब तक सब खा पी कर उठ जाते। मतलब वो उसे बोलता रह जाता कि मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। तब तक क्या होता, जब हरीश पहुंचता वहां पे, तब तक सब खाना खा चुके रहते थे। उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता, उसे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा लगता था। एक मिनट कहते कहते वह इतनी देर कर देता कि बहुत देर हो जाती थी। उस दिन उसको सर्कस देखने जाना था। चतुरा, मधुरा, माँ सब तैयार थे। पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, झल्लाते हुए बोले, यह एक मिनट क्या रहा है, इसका एक मिनट कब पूरा होगा, चलना हो तो चलो, उसे जब जाना होगा आ जाएगा। चतुरा, मधुरा और माँ एक एक कर आवाज लगाई, लेकिन हर बार एक मिनट बस एक मिनट तैयार हो गया। यही आवाज कमरे से आती रही, मतलब सब तैयार हो गया, आवाज लगाते रह गए, मगर वो एक मिनट करता रह गया। पिताजी ने घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने के समय से 15 मिनट अधिक हो गए थे। आज तो सब सर्कस जाना नहीं हो सकेगा, पैसे भी जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, चलो अब फिर कहीं चलेंगे। हरीश निकला तो उसने कहा, सर्कस वालों को भी तैयार होने के समय लगता है, सही सही देखने लायक टाइम तो आधा एक घंटे बाद ही शुरू होते हैं। मतलब अपने पापा से बोलता है, चलिए अब चलते हैं, समय से पहले पहुंचने में लाभ ही क्या है। मतलब ये बोलता है, समय से अगर हम पहुंच जाए तो क्या लाभ है। पिताजी को हंसी आ गई, रोज सुनता हूँ जोर जोर से चिल्लाते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। मतलब हमें कल का काम आज करना चाहिए, आज का काम अभी करना चाहिए, कभी भी किसी टाइम कोई भी घटना हो सकती है, तो हम अच्छे कार्य को कब करेंगे। एक मिनट में तो ट्रेन छूट जाती है, दुनिया उथल पुलट जाती है। चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरती हुई पिताजी से कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह यह याद है नहीं है, यह कबीर का नहीं किसी और का दोहा चट खारे ले लेकर गाता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसो। इसलिए तो मतलब ये उसकी बहन बताती है, इसलिए तो पिछले साल एक मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया, एक साल से वही क्लास पक्की कर रखा है। मधुरा ने कहा तो हरीश रुआंसा हो गया, बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो। मतलब एक मिनट करने के चक्कर में वो स्कूल नहीं जा पाया था, लेट से पहुंचा था और उसका पेपर छूट गया था और पेपर नहीं दे पाया था और उसी क्लास में मतलब फेल हो गया था, तो उसी क्लास में उसे पढ़ना पड़ा। अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, कुछ बनना है
कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो। समय ही जीवन और श्रम ही वैभव है। सोचो जरा, यदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई और स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना सारा इतना कर लिया कि महान हो गए। यह सब कैसे किया होगा? यह महान आत्माओं ने, पिता का प्रश्न सीधे सीधे हरि से था, मतलब इनके पिताजी ने ये सब किसने क्वेश्चन किससे किए? अपने बेटे से, हरि से। हरि ने सिर नीचे किया हुआ एक एक मिनट का उपयोग किया उन्होंने, एक मिनट भी बेकार नहीं जाने दिया। मतलब उसके पापा हरि को समझाते हैं कि एक एक मिनट का भी बहुमूल्य होता है। लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता। यह टीवी, ये इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में देखे जा सकते हैं। जरूरी काम आज और अभी करो, बुद्धिमान बनो, कल का सोच त्यागो, चाहे वह बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। मतलब हमें चाहे बीत चुका हो, चाहे आने वाला हो या अभी चल रहा हो, हाँ, जो अभी लिया वही हाथ आएगा, वही राह बनाएगा और उसी से भविष्य उज्जवल होगा। मतलब उसके पिताजी समझाते हैं कि ये टीवी के इंद्रजाल से निकलो, कॉमिक्स के, टीवी देखना छोड़ो, कॉमिक्स पढ़ना छोड़ो और बुद्धिमान बनना चाहिए। और हमें क्या करना है कि अपने जो नई सोच को लाना चाहिए और आजकल काम कल को नहीं डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है, मतलब ये पार्ट है, ये कमला प्रसाद चौरसिया जी ने लिखी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ठीक है, अगर इसके बाद में आपको इसके शब्दार्थ करने हैं आपकी कॉपी में, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ साइन करूंगी, वो आपको कॉपी में करना है। थैंक यू।